नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम शुगर फ्री चॉकलेट केक प्रीमिक्स बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। चॉकलेट शुगर फ्री चॉकलेट केक प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो मैदा, 320 ग्राम मिल्क पाउडर, 240 ग्राम शुगर फ्री पाउडर, 60 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप कोको पाउडर। ये डार्क है इसलिए मैंने कम लिया है, कोको पाउडर की क्वालिटी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी होगी। 20 ग्राम बेकिंग पाउडर, 11 ग्राम सोडा और 5 ग्राम साइट्रिक एसिड या नींबू का शरबत। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैदा है, उसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 किलो मैदा, 320 ग्राम मिल्क पाउडर, 240 ग्राम शुगर फ्री पाउडर। इन्हें हमें मिक्स करना है धीरे धीरे। जो मिल्क पाउडर मैंने यूज़ किया है वो शुगर फ्री है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। अब हम इसमें एक कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 60 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 11 ग्राम सोडा, 20 ग्राम बेकिंग पाउडर, 5 ग्राम साइट्रिक एसिड और कोको पाउडर। यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है, ये बहुत डार्क है, अगर लाइट हो तो आपको हाफ कप लेना पड़ेगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर जार में डालेंगे और पीस लेंगे। पीसना जरूरी है जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और पीसने के बाद इसे छान भी लेंगे। तो पीसते जाएंगे और छानते जाएंगे। छानने से क्या होगा कि उसमें कोई गुठलियाँ रह गई हो तो निकल जाएंगी। देखिए ये जो प्रीमिक्स है बनके तैयार है, इसमें मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर और ऐड किया है, मुझे थोड़ा डार्क केक चाहिए। यहाँ पर मैंने एकदम डार्क कोको पाउडर यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ टोटल आधा कप कोको पाउडर यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल कोको पाउडर यूज़ करते हैं जो रेगुलर आता है, तो वो आपको 2 कप डालना होगा। चॉकलेट किस तरह का आपको केक चाहिए, डार्क लाइट, उस हिसाब से आपको कोको पाउडर डालना है। हर कंपनी का अलग अलग आता है कोको पाउडर, तो आप अपने हिसाब से कोको पाउडर की क्वांटिटी अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। बस इसकी जो मेथड है प्रीमिक्स बनाने की वो यही है। देखिए कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसे मैंने फिर से मिक्सर में पीस लिया और छान लिया, तो ये केक प्रीमिक्स बनके तैयार है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे चॉकलेट केक बनाकर दिखाऊंगी। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये शुगर फ्री रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने मैदा लिया, इसकी जगह आप गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हैं। मैं गेहूँ के आटे का प्रीमिक्स में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसलिए इस बार मैंने मैदे के आटे का बनाया। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।